एक्चुअली क्या है कि त्यौहार की वजह से इन दोनों व्यापारी अपनी दुकानों की साफ सफाई करते हैं, इसलिए कारोबार नहीं होता है। लेकिन इस साल थोड़ी फसल लेट आई और किसी कारण बस किसान मंडी पहुंच गए तो थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हो गई। लेकिन किसानों की उपस्थिति से व्यापार मंडल ने ये तय किया है कि कल विधिवत मंडी खुलेगी, जिससे किसी किसान को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उसका माल विधिवत बिक जाए। हमारा नाम अरविंद कुशवाहा है, हम ग्राम बछरावनी के रहने वाले हैं। हमारा ब्लॉक बाढ़ पड़ता है, जाम इसलिए लगाया कि हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी है। लगातार हर वर्ष की भांति हम धनतेरस को माल ही बेचते थे, इसीलिए आज धनतेरस को हम लोग माल लेके आए हैं। हमारे हम लोगों का कोई माल नहीं बेचा गया और हम लोग जब मंडी समिति के अध्यक्ष के पास गए तो उन्होंने लगा जो जो करना है वो कर लो, तो हम लोग पर एक ही मुद्दा रहा कि हम लोग रोड पर जाके जाम लगाया। हमारा नाम है देशराज सिंह यादव। आज जो जाम लगाया किस कारण लगाया? जी जाम इस कारण लगाया कि मंडी प्रति वर्ष धनतेरस को बंद नहीं होती थी। अच्छा, आज इस वर्ष मंडी धनतेरस को बंद कर दी गई, किसान को कोई सूचना नहीं, प्रति वर्ष की भांति किसान चला आया है कि चलो मंडी में अपने बेचे माल पानी और खाद पानी जो कचू डीजल पानी जो ले जाना वो ले जाएं। अब किसान के खेत अरे डरे, अब किसान कहाँ से क्या करे। उन लोगों ने कह दिया कि 8 दिन के लाने मंडी बंद। SDM साहब आए, उनने कह दिया कि भाई 9 तारीख को खुलेगी, जब ही आना तो सर आप चाहे आप फांसी लगा लो, किसान चाहे मर जाओ चाहे कचू हो जाओ, कोई सुनवाई नहीं है राज्य में।